पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने की राज कुंद्रा के घर में छापेमारी। शिल्पा शेट्टी से हो रही है पूछताछ। टोक्यो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हुई जब टीम इंडिया की एंट्री, पीएम मोदी ने खड़े होकर बजाई तालियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कम होते असर के बीच 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, सीएम जगन रेड्डी का ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में मिले केवल 11 नए संक्रमित, नहीं हुई किसी मरीज की मौत। चमधार में 9 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, 24 घंटे में मध्यम बारिश की संभावना। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। अल्मोड़ा में कांग्रेस कमेटी ने नई कार्यकारिणी को लेकर चौघान पाटा में जश्न मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने मिठाइयां बांटी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पीताम्बर पांडे ने राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में संतुलन बनाकर संगठन की बागडोर दी गई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जितने पदाधिकारी विभिन्न स्थानों पर जिनकी नियुक्ति की गई है उन सबको बधाई देते हैं और अल्मोड़ा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्हें पूरे प्रदेश में एकजुटता का परिचय देने के लिए इन सबकी तैनाती की है, सबको स्थान दिया गया है और सबको जिम्मेदारी दी गई है। हमें भरोसा है कि आगामी 2022 एकजुट होकर के पूरी कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम। लालकुआ में तहसील चौराहे पर वंदे मातरम संगठन के बैनर तले कई युवाओं ने भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आजकल पहाड़ों में भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वर्तमान भू कानून के चलते राज्य के मूल निवासी यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से भी दूर हो गए हैं और भू माफिया ने यहाँ के जंगल, कृषि और नजूल भूमि पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इसे तत्काल रोके जाने की इस वक्त जरूरत है। साथ ही कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने वह स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने। हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का ही होना चाहिए। नरेंद्र नगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुणानंद कुलियाल की अध्यक्षता में इलाके की मूल समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। 5 घंटे तक चले अधिवेशन में वक्ताओं ने पट्टी दोगी की मूलभूत समस्याओं पर फोकस करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल व नेटवर्किंग की बदहाली से जनता त्रस्त है। पूरे क्षेत्र में नेटवर्क न होने से ऑनलाइन पढ़ाई पिछले 1.5 साल से ठप है। सड़कें बदहाल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, वहीं पेयजल पाइपलाइन भी सूखी पड़ी है, विद्युत के नियमित आपूर्ति भी नहीं है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए पहले भी गुलर घाटी में आंदोलन किए गए हैं लेकिन इस आंदोलन का लाभ नहीं मिल पाया है। समस्त जनता को बधाई देता हूं कि आज युवाओं ने और हमारे पुराने साथियों ने मिलकर एक संयुक्त संघर्ष समिति यहां पर बनाई जो कि दोगी के विकास के लिए जो कार्य छूट गए हैं और यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की उसमें रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे और इस तरह से मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ की जो तमाम समस्याएं थी उस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने जो पूरा क्षेत्र जो दोगी पट्टी क्षेत्र पड़ता है एकजुट होकर के आज ये प्रण लिया, हमने ये प्रण किया आज की आज हम सब इकट्ठा होकर के इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य भी होना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। समिति का आज जो गठन हम लोगों के द्वारा यहाँ गुल्लर में हुआ है और तमाम समस्याएं हमारे क्षेत्र में कई वर्षों से बनी हुई थी और उसके संबंध में आज हमारे क्षेत्र के जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं और बहुत मूलभूत सुविधाएं वाकई में हम लोगों को काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए अगर हमें कहीं भी जाना पड़े, अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो माताएँ हैं, जो हमारे मार्गदर्शक मंडल हैं, ये सब हम ये एक व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चमोली में गड़कोट और अंगोठ गांवों के बीच में भूस्खलन से झील बन गई है। भूस्खलन होने और झील बनने से ग्रामीण अभी दहशत पे है, इलाके में खतरा बना हुआ है।
लोगों का मानना है कि झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की इस वक्त जरूरत है। इस मामले में लोगों ने प्रशासन को सूचना भी दी। लोगों का कहना है कि झील में पानी का स्तर इस वक्त बढ़ गया है और इस वजह से आसपास की जमीन धीरे धीरे धस रही है। लोगों की खास अपील है कि गांव के नीचे बनती जा रही झील को समय रहते हुए खोलने की तत्परता से इस वक्त जरूरत है ताकि किसी अनहोनी को होने से रोका जा सके। प्रशासन से अनुरोध है कि आप ये जो झील बनी है हमारे गांव के ठीक नीचे, उस झील की समस्या का समाधान करें और इससे गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत पुराना स्लाइड है, पहले भी यहाँ पे इस तरह की स्लाइडिंग हो चुकी है, ज़मीनें टूट धस चुकी हैं। विगत जो 4-5 दिन की लगातार बारिश हुई तो उसमें ये खतरा महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर इसी बीच हमने देखा कि सामने गांव के जो खेत के किनारे हैं वो पूरा का पूरा रास्ता धंस करके नीचे गधेरे में आ गया है और उस मलबे ने पूरा गधेरे का जो डिस्चार्ज था, आउटलेट था, उसको बंद कर दिया है और यहाँ पर एक बड़ी झील बन गई। फिर हमें ये पता चला और कल ही फिर हमने इसकी तुरंत रिकॉर्डिंग और वो करके सूचना दी प्रशासन को। नमस्कार, मैं आज जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र में गड्डीघाट क्षेत्र में हूँ। ये पिंडर घाटी का जो नाड़गढ़ विकासखंड का क्षेत्र है वो क्षेत्र है और यहाँ पे हम ये गड्डीघाट जो ये गधेरा हमारे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस गधेरे के जो दोनों तरफ के गाँव हैं गड़कोड़ा, आंगोट, भेला, वासिना, माल, इन दोनों जो गाँव के जो ज़मीनें हैं यहाँ पे बड़ा जो भूस्खलन जोन बन चुका है 2011-12 के बाद से ही, और वर्तमान की जो अभी वर्तमान बारिश है इस बारिश में दोनों जगह से जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसे जो एक गधेरा है गधेरे का यहाँ पे झील बन चुकी है, दोनों तरफ से चौक हो गया है और ये बड़ी झील बन चुकी है। और हम इस गधेरे के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि 1991-92 के दरमियान इस गधेरे में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और एक बाजार हुआ करता था यहाँ गढ़नी, और उसमें 14 लोगों की अकाल मृत्यु उस बाढ़ में हो गई। तो ये गधेरा बार बार भयंकर रूप लेता रहता है और आज भी ये हालांकि बारिश कम है लेकिन बारिश बढ़ने की संभावना है और बारिश बढ़ेगी तो ये झील का स्तर बढ़ेगा और निचले जो स्तर हैं, निचले जो यहाँ पे एरिया क्षेत्र हैं, मींग गधेरा है, घटगाड़ है, नाड़बगढ़ है या जो निचले कणब्या के क्षेत्र हैं वहाँ के लिए ये खतरे की घंटी बन सकता है। और दोनों जो गाँव हैं गड़कोडर अंगोडर माल, वहाँ की जो ज़मीनें हैं बिल्कुल भू धसाओं की जो चपेट में, वहाँ के गांव के इर्द गिर्द भी ग्रामीण बता रहे हैं कि दरारें पड़नी शुरू होगी, उनकी ज़मीनें ध्वस्त हो रही है। तो हम शासन प्रशासन से यहाँ के लोग जो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस झील का जो मुहाना है बंद हो चुका है उसको खोल दिया जाए ताकि यहाँ पर जो भू कटाव है वो कम हो। रुड़की में जीवनदीप आश्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शतचंडी महायज्ञ में हिस्सा लिया। उन्होंने इसी के साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित पूजन में शामिल होकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि सप्ताह से चल रही शतचंडी महायज्ञ का अब समापन हो गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते यहाँ बहुत दिक्कतों से देश इस वक्त जूझ रहा है, उसी के मद्देनजर स्वामी यतीन्द्रानंद ने महायज्ञ किया। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये शतचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से इन और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ हो रहा है। और यहाँ जो ये शतचंडी महायज्ञ हुआ है, जो शास्त्रों में वर्णित विधि और विधान है तो उस विधान के अनुसार ये संपन्न हुआ है। प्रथम दिन जब इसकी स्थापना पूजा थी तब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और माता की पूजा का श्रृंगार सामान भिजवाया था, वो आ नहीं पाए थे। और आज प्रदेश की महामहिम राज्यपाल यहाँ रही और ये बहुत अच्छा लक्षण है कि किसी भी देश का राजा, आजकल तो राजा यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही होते हैं, तो कोई भी यज्ञ अगर ये स्वयं बैठकर करते हैं तो उसका पूरा का पूरा लाभ प्रजा को, प्रदेश को और प्रदेश की प्रजा को मिलता है।
रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक किसान को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी से जूझ रहा किसान अब अपना घर भी बेचने पर मजबूर है। किसान ने अपनी आर्थिक स्थिति को प्रशासन को भी बताया, लेकिन उसे कोई भी मदद न मिलने पर पीड़ित किसान के भाई ने पलायन की बात कही है। पीड़ित किसान के परिवार ने बताया कि वह ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किसान का इलाज चल रहा है। अपोलो अस्पताल में ऑपरेशन का बिल करीब 9 लाख रुपए आया है और जो उन्हें उधार लेकर जमा किया है, लेकिन आगे का खर्च उठाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है और वो घर बेचने को इस वक्त मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्त्रियों ने आज विकास नगर के तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली आशा कार्यकर्त्रियों ने वेतन मान को लेकर हंगामा किया। साथ ही इस मामले में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्त्री अध्यक्ष सलिता चौहान ने कहा कि सरकार ने आशाओं को मुफ्त का कार्यकर्ता इस वक्त समझ लिया है। यदि हम कहते हैं कि काम बढ़ाना है तो उसका भुगतान भी उसी हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। मौसम को मासिक वेतनमान फिक्स किया जाए और रिटायरमेंट होने पर पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। कोरोना काल में लगी सभी आशा वर्करों को 10,000 कोरोना भत्ता भुगतान किया जाए। रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को जब तोड़ दिया गया तो आशा किस चीज़ की आशा रह गई है। पर जो है अब हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार जो है जल्दी जल्दी जागे और हमारा जो है वेतनमान फिक्स करे। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने महिला दिवस के दिन 10,000 की घोषणा की थी कि आशाओं ने इतना अच्छा काम किया था कोविड काल में, लेकिन वो पैसा भी जो अभी तक नहीं आया, मार्च की बात थी, वो भी डकार गई है सरकार। लेकिन इतनी आसानी से हम लोग भी हार नहीं मानने वाले हैं। सारा काम जमीन से हम कर रहे हैं, बाकी तो ऑफिसों से, फ़ोन से, इंटरनेट से काम चलता है। आशा एक ऐसी है जो फील्ड में घूम घूम के अपनी बच्चों को छोड़ के भी, आधी बहनें तो कोरोना में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी सरकार सूद नहीं ले रही है। अब जो है सरकार को जागना पड़ेगा, सूद लेनी पड़ेगी, वेतनमान फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो जो बहुत बड़ा जो है उग्र आंदोलन करेंगी तैयारी। विकास नगर में क्षेत्रवासियों ने ईमानदारी चौकी प्रभारी को हटाने पर हंगामा शुरू कर दिया। चौकी प्रभारी को हटाए जाने के बाद इस मामले में लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि चौकी प्रभारी के सफल कार्यों की वजह से इलाके में इस वक्त अपराध कम हो चुके हैं। अवैध शराब की तस्करी पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई इलाकों में छापेमारी भी की गई। इसी के साथ लोगों की मांग है कि प्रभारी को वापस काम पर बुलाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग इस मामले में प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। के खिलाफ है सर, और एसडीएम साहब को हम देने आए हैं, और ये हमारे जो अर्जुन गोसाई जी थे चौकी इंचार्ज, इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया यहाँ पे नशे के कारोबारियों के लिए, तो उनकी बिल्कुल उन्होंने कमर तोड़ दी। तो नशे कारोबारियों ने क्या करा कि कुछ सफ़ेद पोशाकों से मिलके उनका षड्यंत्र के तहत उनको जो है कि करके और उनका जो है कि वो तबादला करा दिया जी। और जो कि ऐसे छवि के आदमी नहीं थे, वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे और नशे के खिलाफ लेडीजों के मामले में तो बहुत उच्च एकदम काम करते थे, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं थी। पहाड़ों में भू कानून की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। भू कानून को लेकर लोग अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। हिमाचल की तर्ज पर अब लोग उत्तराखंड में भी कानून लागू करने के मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। आलम यह है कि इस कानून की वजह से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल के नेतृत्व में शहीद स्थल, पिक्चर पैलेस चौक और लाइब्रेरी चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को भू कानून के बारे में जागरूक किया गया और कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को भू कानून के बारे में जानकारी दी और कहा गया कि किस प्रकार से लगातार पहाड़ों पर बाहरी लोगों का कब्जा है और यहां के लोग इस वक्त पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चोरों के सामान के साथ दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त इस दौरान मौके से भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल दोनों शातिर अभियुक्तों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शातिर अपराधियों के खिलाफ इस वक्त अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा ताकि इलाके के लोग सुरक्षित रह सकें।
लालकुआ के नारायणपुरम कॉलोनी में महिला पुलिसकर्मी के पति का शव घर से बरामद हुआ। इसके बाद घर के लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल संजय कुमार ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। बता दें कि मृतक की पत्नी सीओ ऑफिस सितारगंज में कार्यरत है। वहीं मृतक अपने 14 साल के बेटे के साथ घर में रह रहा था। लोगों की माने तो मृतक बेरोजगार था और इसी वजह से वो तनाव में रहता था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुरम कॉलोनी में एक घर में अकेला लड़का रहता है, भुवन भट्ट, जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल है। उसने सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर जब यहाँ पर आए तो देखा भुवन भट्ट नाम का जो 40-45 साल का उम्र का आदमी है, इसने पंखे में अपने एक रस्सा डाल के गले में सुसाइड किया हुआ है। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला प्रतीत होता है और संभावना यह है कि यह सुसाइड 2-3 दिन पहले की घटना। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 56 संक्रमित मिले हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 48 मरीजों के ठीक होने के बाद उनको घर भी भेजा जा चुका है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त 649 पहुंच गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत का मामला भी सामने आया है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोई भी नया मामला ब्लैक फंगस का नहीं मिला है। कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 548 है। अब तक ब्लैक फंगस से प्रदेश में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कुनबे में मची घमासान थमने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए भी कांग्रेस पदाधिकारियों का ऐलान करके सियासी संकट पर विराम लगा दिया है। वरिष्ठ और अनुभवी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गणेश गोदियाल और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा की गई है, जबकि आर्येंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष, नेता विधायक दल, सह अध्यक्ष, संयोजक, चुनाव कमेटी और कोषाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दिया गया है। चंपावत में स्थित रीठा साहिब गुरुद्वारे में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इस गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोग दर्शन करने आते हैं। गुरुद्वारा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नदी के किनारे सुशोभित है, जिसकी सुंदरता भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रद्धालु रात में यहाँ कीर्तन भजन करते हैं। आपको बता दें कि इस गुरुद्वारे की स्थापना की कहानी बड़ी ही दिलचस्प बताई जाती है। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सारेयानो, राम राम। हम लोग रीठा साहब आए थे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से और हमने काफ़ी फन किया, दर्शन किए गुरुद्वारा में। उत्तराखंड के धनौरी में एक अज्ञात किशोर का शव नदी में उफनाता मिला है। लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पश्चिमनामा भरकर रुड़की सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मामला दो पक्षों के बीच कुछ दिन पहले हुए मारपीट का है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।